हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी हेल्दी फटाफट से बन जाने वाले नाश्ते की रेसिपी उपमा। ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में और फटाफट से बन जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं इसकी रेसिपी। इसके लिए यहाँ पर मैंने 1 फुल ग्लास और 1/2 ग्लास यानी कि 1.5 ग्लास पानी लिया है एक पैन में, और इसमें मैं डालूँगी कुछ मटर के दाने, वेजिटेबल आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, 1 छोटी मिर्च कटी हुई, गाजर यहाँ पर मैंने आधा लिया है छोटा कटा हुआ, और साथ साथ मैंने यहाँ पर बीन्स लिया है थोड़ा सा कटा हुआ। यहाँ पर मैंने थोड़े से मूंग दाल को 1 टीस्पून के करीब को फुला दिया था 1 घंटा पहले, देखिए, और इसका पानी निकाल दिया है। तो चलिए अब इसको बनाते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन लिया है, उसमें लगभग मैंने 1/2 टीस्पून घी डाला है। आप इस जगह पे ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, और जैसे ही थोड़ा सा घी यहाँ पर हमारा गर्म होगा, इस जगह पर हम डालेंगे थोड़े से राई के दाने। राई हमें थोड़ा ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। 2-4 आप मेथी के दाने डालें, इससे बहुत अच्छा इसका फ्लेवर होता है। ये आप स्किप भी कर सकते हैं अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो। अब यहाँ पर हम डालेंगे 5 से 6 करी पत्ता, और इन तीनों को डालने के बाद हम अच्छे से इसको इस तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पर लेंगे मेन इंग्रेडिएंट सूजी। ये मैं 1/4 कप सूजी ली हूँ, क्योंकि ये 2 आदमी के हिसाब से बन रहा है तो उसका प्रोपोर्शन है ये, मतलब 1/4 कप लेना है, डाल देना है। अब ये साथ साथ मैं मूंग भी डाल दूँगी, और इस दोनों को अच्छे से हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, और कम आँच पर, गैस हमारी बिल्कुल कम पर रहेगी, इस पर हमें धीमे धीमे इसको रोस्ट करना है। इसे हमें ज़्यादा नहीं, लगभग 5 मिनट के करीब कम पर रोस्ट करना होता है। तब तक आप देखिए ये हमारा पानी बिल्कुल अच्छे से बॉयल हो गया है, 5 मिनट हो गई है। अब इसे बंद करके हम ढक देंगे, और ये भी हमारा इधर देखिए सूजी सिकते सिकते 4 से 5 मिनट हो गए, बिल्कुल कम पर है, 4 मिनट के करीब हुआ होगा मुझे। अब ये रेडी है। इस जगह पर हमने जो ये पानी बॉयल किया है ये हम इसमें ऐड कर देंगे। देखिए पूरा हमें इसको इसमें ऐड कर देना है, साथ साथ हम इसमें नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। मैंने यहाँ पर लगभग 1/4 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा नमक डाला है। अब यहाँ पर हमने स्प्रिंकल किया है, देखिए, थोड़ा सा काली मिर्च। काली मिर्च डालने के बाद इसे एक बार हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फिर अब हम यहाँ पर डालेंगे 1/2 नींबू का रस हमें चाहिए लगभग, तो 1/2 नींबू का रस हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा इससे इसका फ्लेवर जो होता है थोड़ा टैंगी आ जाता है, बहुत अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा बनकर ये तैयार हो रहा है। अब यहाँ पर हमने गैस बंद कर दिया, इस तरह की कंसिस्टेंसी हो जाए तो हमें गैस बंद कर देना है। अब एक बाउल में हम इसको डालेंगे, और डालकर इस तरह से थोड़ा टैप टैप करेंगे तो ये एक सेट हो जाएगा, और इसको अब हम एक प्लेट में पलट देंगे तो आप देखोगे कितना अच्छा ये राउंड तैयार हो गया। आप इसको नॉर्मल भी प्लेट में डाल के खा सकते हो, मगर इस तरह से अगर आप सर्व करोगे वाओ, तो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बन जाएगा, बिल्कुल होटल जैसा बनकर तैयार होगा। तो इस पर मैंने करी पत्ता एक रख दिया है गार्निश के लिए फ्रेंड्स, तो आप लोग इसको ज़रूर से बनाकर ट्राई करें फ्रेंड्स। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मैं जो भी नया वीडियोज़ डालूँ वो आपको मिलता रहे। मैं यहाँ पर आपको कट करके दिखा रही हूँ कि कितना टेस्टी बना है ये फ्रेंड्स, आप लोग इसको ज़रूर से बनाएं। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, टिल देन बाय, सी यू सून।